हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आपको इंतजार था कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, आपको बताना चाहूँगा कुछ नहीं हुआ है। ये वाला काम हो रहा है, कहाँ गए थे, कहीं भी नहीं। क्या लाए, कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपके माँ बाप आपसे पूछे कि आप कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, जी गए तो पढ़ने के लिए, लेकिन गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन क्या बताते हो कि जी कहीं नहीं गए थे, और लाए कुछ, क्या अजी कुछ नहीं लाए। तो वाला काम हो रहा है अभी ना केस के अंदर। ना तो डेट लग रही है, डेट लग रही है तो सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई हो रही है तो कुछ नहीं हो रहा है। ये तो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं रीजन क्या है आज के उसमें। आपको पता है कि 1708 लगा हुआ था। हम सोच रहे थे कि 8 नंबर डबल बैच के पहले चले हैं, 2 बजे तक के डबल बैच के चले, उसके चैम्बर वाले चले हैं, उसके बाद सिंगल बेंच वाले। उसके अंदर कुछ 3 ऐसे केसेस आ गए थे जिसमें अर्जेंसी लगी, उनको बहुत ही बारीकी से सुना गया, जिस कारणवश ये नंबर नहीं आया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए, आप लोग सभी शिक्षक हैं, शिक्षक का जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेज होता है, लेकिन जब यूज़ करे तब होगा, वरना तो वैसे कुछ नहीं होगा। देखिए लाइफ में ये मत सोचेगा कि वो मुझे क्या कहेगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। जो आपका दिल कहे वो करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं क्या है, अगर आप इस केस को जल्दी निपटाना चाहते हो, बहुत ही जल्दी निपटाना चाहते हो, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, मैं देख रहा हूं सब चीज़ हो रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है गलत हो रखी है। अभी डायरेक्शन क्या है गलत है, जहां हमें पानी देना चाहिए पेड़ में पानी देना चाहिए, अगर वहां पे पत्थर है तो पत्थर हटाने पड़ेंगे, फिर पानी देना पड़ेगा। हम भी क्या करते थे पहले, हम भी बहुत मेहनत करते थे, साइकिल पे जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट कहाँ करते थे, साइकिल पर करते थे, जहाँ पे काम था वहाँ पे नहीं होता था। अब सुन लेना क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है केस नंबर 350 है, हाई कोर्ट में उससे हम जीत कर आए हैं। आप लोग समझना थोड़ा बहुत है, इसमें जो है जो केस नंबर 350 है जो सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है, जिस कारण सुनवाई नहीं हो पा रही। तो दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है केस नंबर 350 वाली। अगर आर्थिक स्थिति सही होती अब तक के आप जॉब करते हुए होते, केस का निपटारा हो जाता, चाहे तो वो हार मिलती जीत मिलती, लेकिन पक्का जीत मिलेगी इसमें, सबसे बड़ी बात यह है। तो शिक्षकों को जितने में एनएस डीएलएड के शिक्षक है, आपको मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जो है अपना दिमाग का यूज़ कीजिए, दिमाग का यूज़ कीजिए कि अगर केस नंबर 350 की हम थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं 500-1000 रुपये भी सभी मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, अब भी मैं बता देता हूं, अब भी कर देते हैं तो जल्द से जल्दी केस निमट जाएगा। वैसे भी तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जब हमें नौकरी मिल रही है, सब कुछ केस भी सही लड़ा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो दोस्तों 500 या 1000 रुपए में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप लोग जो है केस नंबर जो 350 है, अगर जल्दी से आप इसका निपटारा करना चाहते हो तो आप लोग जो है आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो, जैसे भी करना है। ये जो और टीचर है, जहाँ कहीं भी है, कुछ भी है, मेरा जो दिल ने कहा मैंने कहा, क्योंकि जो मुझे तो क्या है जॉब से मतलब है, मुझे कुछ मतलब नहीं है कि भाई देखो 1-2 हज़ार रुपया इधर भी खर्च हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। अगर आप 1-1000 भी दोगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। आप लोगों का वैसा भी तो पैसा कहीं लग जाता है, किसी खोए जाते हैं, कुछ भी होता है, कोई आपके पैसे भी मार लेता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ निकलते भी नहीं आपके पैसे, आपको पता है उस चीज़ों का, ठीक है ना। तो दोस्तों यही कहना चाह रहा हूं, अगर जल्दी से जल्दी निपटाना है केस, नौकरी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, थोड़ा सा लालच छोड़ करके कि दूसरा क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा दिमाग घुमाएगा जो दूसरे लोग होंगे, कोई भी हो सकता है XYZ, आपका दिमाग घुमाएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो दोस्तों यही विनती है, आपको पता है कि बहुत दिन से वीडियो बनाता आ रहा हूं, शायद ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है इसमें YouTube की, क्योंकि मैं इसकी जगह और कुछ अगर अपडेट आए तब बताऊंगा, ऐसे लास्ट ही रहेगी। अगर इस तरह ही चलता रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, वीडियो बनाते बनाते थक गया हूँ कि भाई इसमें क्या है। तो दोस्तों यही है, अगर केस जल्दी निपटाना, केस नंबर 350 नंदन सिंह बोरा जी जो है 6 आदमी की जो मेन पिटिशनर है वो, साथ में जो रेस्पोंडेंट है वो तो है 124, लेकिन जो और लोग हैं उनको कंट्रीब्यूशन कर देना चाहिए अगर जल्दी निपटाना हो तो। भाई राजनीति खेलना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा राजनीति करने से, राजनीति कर रहे हैं आपस में शिक्षक, उससे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जो थोड़ा सा अपना लालच को त्याग करके अपना
कि जो दूसरे भी भाई भी है वो भी तो पैसा अपना वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा लगा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनको देखिएगा और प्लीज़ इस केस को निपटाइएगा। और कैसे निपटेगा मैंने आपको बता दिया है, सीधी सी बात है, इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो लास्ट है मेरी, मैं इसके बाद ये नहीं बनाऊंगा, अपनी पढ़ाई की बनाऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ अपना फिजिक्स पढ़ानी है फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन लास्ट बार फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को केस निपटाना है तो केस नंबर 350 के साथ आपका आपको मदद करनी होगी, मैंने अब भी बोल दिया है आपको, जल्दी निपटाना है। अगर वैसे ही करना है तो भाई करो जाओ, इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कीजिए, सब चीज़ों का इंतजार कीजिए, धन्यवाद। आगे हम देख लेंगे जब भी होगा, अगर मंडे में लगा केस तो मंडे में देखते हैं क्या होगा, अगर मंडे में लग गया तो अलग बात है, क्या भाई जल्दी से जल्दी लग जाए तो और अच्छी बात है, अगर मंडे में लग गया वैसे कल पता लग जाएगा कब लगेगा, लेकिन अगर जल्दी चाहते हो रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन, धन्यवाद।